ख्याल से आप लोग किस तरह देखते हो? कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक में सुख होता है, एक में दुख होता है। तो आज ज़िंदगी में ये ऐसा एहसास सबको हुआ है कि दुख क्या चीज़ होती है, और सबके छाए हुआ है। लेकिन इस वजह से ये दुख ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, और सुख का भी समय आएगा, और सबको खुशियाँ हमेशा बाप्पा हमेशा की तरह देते जाएगा। बॉम्बे में आशीर्वाद है, महाराष्ट्र पे आशीर्वाद है बाप्पा का, तो सब लोग सुखी हो जाएंगे। दुख का आना ज़रूरी होता है, तभी सुख की अहमियत सबको समझ में आती है। तो गणपति की शुरुआत हो चुकी है, और आपका गणपति पे नया गाना आपने जो आपके द्वारा गाया गया है एज ए सिंगर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना है, और दर्शकों के लिए किस तरह से आपने इस गाने को तैयार किया है? आज तक ज़िंदगी में सबने सुख के साथ जो पल जिए हैं, दुख के बाद सुख की चीज़ क्या होती है, भगवान ने बापा के आशीर्वाद के स्वरूप मैंने एक गणेश मांगना किया है। सबने मुझे कहा कि गणेश मांगना कोई मीनिंग नहीं होता। मैंने बोला नहीं, दो मीनिंग होते। मैंने जैसे कहा कि सक्के के पहलू के दो होते हैं, वैसे गणेश मांगना यानी गणपति की तरफ मांगना भी होता है, और गणेश जी भी आपसे कुछ मांगते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से एक भाव एकजुट होकर रहिए कि ज़िंदगी में कभी खटतर काल आ जाए तो आप साथ में चले। और आज ये वक्त आ गया कि हम लोग सब साथ में हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे, जो कमज़ोर है उसको सहारा दे रहे, जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना दे रहे। तो ये गणपति ने अपनी शक्ति दिखाई कि आप सब लोग सही तरीके से रास्ता अपनाइए। तो कोरोना काल है, बहुत जिस तरह से शूट करने में भी नहीं हो सकता है, बाहर नहीं निकल सकते, तो आपने इस गाने का वीडियो शूट किस प्रकार किया? मैंने एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी हंसेगा कि मैंने ये फ़ोन पर रिकॉर्ड किया है, और एक ऋषिक करके लड़का मेरे पास दो चार साल पहले गिटार बजाने आता था, तो मैंने कहा ऋषिक मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो मैं ऐसे ही पहले एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा विदाउट एनी रिदम खाली सांप पकड़ के मैंने पूरा एक गाना गाया, कभी तन्हाई मुबारक बेगम जी का, कभी तन्हाइयों में। और वो गाने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और फ़ोन पे आईफोन पे मैंने नीचे मेरे गार्डन में शूट किया। तब मुझे आइडिया आया कि गणपति आ रहे हैं तो अब हम लोग कुछ ऐसा अलग कर सकते हैं। और उससे अकेला वो बाइक पे आता था, तो बाइक पे आके हम लोगों ने दोनों ने बैठ बैठ के ऐसे एक एक गाने को फ़ोन पे मैंने गाए हुए ये गाने, ये कोई स्टूडियो में जाके गाए नहीं है। सिर्फ एक ही पहला गाना जो है अलारे आला, वो मैंने स्टूडियो में अभी किया हुआ है रिसेंटली, एक डेढ़ हफ्ते पहले, पर बाकी पूरे सब गाने मैंने मोबाइल पे गाए हुए हैं। तो कहा जाता है कि सब जब सभी सुविधा होती है उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने इस गाने को तैयार किया है, मोबाइल शूट पे तैयार किया है, लेकिन एक बेहतरीन और एक अच्छा गाना लोगों के लिए तैयार किया है, तो ये कितना अच्छा लगा कि आपने एक मोबाइल शूट से, आपके पास सुविधा नहीं थी, लोग नहीं थे, फिर भी आपने इसे शूट किया। इसके लिए मैं पहले तो अपने दिल का दुख आपके सामने जाहिर करना चाहती हूँ, क्योंकि सारेगामा, इंडियन आइडल, ये सब प्रोग्राम्स आने के बाद सभी आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन हम जैसे जो ओवर एज हो जाते हैं 25-30 के ऊपर वाले, हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते इस शो में जाने के लिए, तो दिल दुखता है। लेकिन आज मैं हुनर के साथ सभी आर्टिस्टों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, कठिनाइयाँ तो ज़िंदगी में आती ही रहती है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करने का एक तजुर्बा अपने पास अपनाओ, अपने लिए एक सीख बनाओ, जो सीख मैं आज सब लोगों के लिए बताने जा रही हूँ कि कभी नहीं रुकना, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आएंगी ही, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। और यही मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सब लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए, ना के सारेगामा, ना के इंडियन आइडल, ना के कोई चैनल के प्रोग्राम से हम लोग जा रहे हैं। आज मैंने ना करते हुए भी इतने सब्सक्राइबर जुटे हैं, एक महीने के अंदर मैंने इतने अच्छे लेवल पे काम किया है कि हर जगह मेरा गाना बज रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िकल नहीं है, फिर भी मैं अकेली पैशनेट होके आज आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हो। सब लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और मुंबई का बापा का आशीर्वाद लेते हुए सबको कहूँगी कि मानो तेरी बिगड़ी हुई तस्वीर बदल जाएगी, ऐ मानो तेरी बिगड़ी हुई तस्वीर बदल जाएगी, हर एक आह मधुर गीत में ढल जाएगी, अगर बापा का नाम ले तू ऐ मुसाफिर, अगर बापा का नाम ले तू ऐ मुसाफिर, तेरे हाथों तेरी तकदीर बदल जाएगी। आपने जिस प्रकार से कहा कि भाई एक 25 और 30 के बाद की जो लोगों की एज हो जाती है, उन्हें जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनके अंदर जो टैलेंट छुपा है कहीं ना कहीं उसे देखा नहीं जाता है, एक बड़े नाम को ही उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाता है, तो आपकी क्या मांग होगी, यहाँ की सरकार से भी कुछ आप मांग करना चाहेंगे कि उन्हें भी एक चांस देना चाहिए जिनके अंदर हुनर है, ना कि बड़े नाम को ही वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए? मुझे एक पॉलिटिशियन की बात बहुत अच्छी लगती है कि भीख मांगने से कोई चीज़ मिलती नहीं, अपने आप में हासिल करना सीखो। और वही मैं हर जगह, मैं बॉम्बे के बाहर भी जाती हूँ, मेरे साथ बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि मुंबई शहर ऐसा है कि हर एक को अपना लेता है, लेकिन मुंबई से जब बाहर आर्टिस्ट परफॉर्म करने जाता है तो उसको कैसे पानी में गिराए, कैसे स्टेज पे गिराए, और किस तरह से उसके साथ पॉलिटिक्स किया जाए, यही सब लोगों की ध्यान होते हैं। लेकिन फिर भी
मैं डट के रहती हूँ। आप सब लोगों को ये गुजारिश है कि बॉम्बे के आर्टिस्ट बहुत तैयार आर्टिस्ट है, दुनिया बॉम्बे से चलती है, फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे से आती है, हर जगह के आर्टिस्ट के अलग अलग अपना अपनापन होता है, लेकिन बॉम्बे ऐसा है कि जिसमें एक अलग टैलेंट है जो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि दिल्ली से आते हैं लोग, बंगाल से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, जहाँ से भी आए, लेकिन उनकी किस्मत चमकती है बॉम्बे। क्यों चमकती है? क्योंकि बॉम्बे सबको अपनाता है। तो मैं सबको, इंडियन वासियों को, सब भारतवासियों को मेरा संदेश है कि आप सब लोग प्लीज़ टैलेंट को अपनाइए। कास्ट क्या है, कौन से जात है, धर्म से हमको लेना देना नहीं, लेकिन प्लीज़ टैलेंट से हर एक को अपनाइए। जो ये सीख देने जा रही है इस गणपति ने, मुझे शायद ये ज़ुबान दी है और आप सब लोगों का साथ रहा, तो मैं ये आगे जलवा लेके भी जाऊँगी कि एज और कोई भी टीवी का माध्यम अपने आप को रोक नहीं सकता। आप में बुलंदी पाने की जो इच्छा हो तो आप कैसे भी बुलंदी पा सकते हो, और मुझे चाहिए कि मेरी सीख लेके सब लोग आगे जाए। प्लीज़ एक लाइन चाहूंगी कि आप इस गाने का गुनगुनाएं। मराठी का गाती हूँ। आला रे आला राजा देवा गणपति बाप्पा माझा, आला रे आला राजा देव गणपति बाप्पा माझा। थैंक यू एवरीबॉडी। मराठी में जाना चाहूंगी, आपका जो गाना रिलीज हुआ है।